रक्षा एकेडमी पर आपका स्वागत है। अब घर बैठे अधिकारी बनना हुआ और भी आसान। पूरे YouTube पर एकमात्र चैनल जो आपको इंदौर में चल रही क्लासेस आपके घर तक देते हैं। हमारे कोर्स हैं MPPSC प्री, मेंस, MPPSC फॉरेस्ट, MPSI और व्यापम। यदि हमसे अधिक गुणवत्ता और ज्यादा कोर्स आपको मिलता है तो 100% रिफंड की गारंटी। हमारा लक्ष्य आपको आपके लक्ष्य तक ले जाना है। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करें और वेबसाइट विजिट करें। वेलकम टू रक्षा एकेडमी। आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक जो पेपर 3 का पार्ट 2 है, इकोनॉमी के बारे में थोड़ी सी चर्चा और आखिर अर्थशास्त्र क्या है केवल इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र ये आपकी कहां पर दी गई है? MPPSC मेंस पेपर 3 पार्ट बी। तो MPPSC में इसका एड्रेस ये है, UPSC में इसका एड्रेस कुछ और हो सकता है, UPPCS में इसका एड्रेस कुछ हो सकता है, लेकिन है ये एक ही बात। ठीक है, तो हमें आज अर्थशास्त्र के बारे में जानना है कि अर्थशास्त्र है क्या। ठीक है, आप यदि अपने सिलेबस को एक बार उठा कर देखेंगे, क्योंकि पहली चीज हमें कभी भी किसी विषय को स्टार्ट करने के पहले देखना है कि आखिर उस चीज का सिलेबस क्या है, तो एक बार गौर से मैं आपको चीजें बता दे रहा हूं क्या है। पहला पॉइंट है अपना भारत में विकास का अनुभव। तो जब हम इस चीज को पढ़ेंगे तो इसमें हम जानेंगे कि भारत में ऐतिहासिक तौर पर भारत क्या था। एक समय पर विश्व की 30% GDP भारत की थी। वी वर द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे अमीर हम ही लोग हुआ करते थे। ठीक है, और जब सबसे हम अमीर हुए तो फिर हम सबसे ज्यादा अय्याश भी हो गए, और सबसे ज्यादा अय्याश हो गए तो उसके बाद में हम सबसे गरीब हो गए। तो ये पूरी जो यात्रा है भारत की अमीरी से गरीबी के बीच में, हम उसके बारे में जानेंगे। फिर 1947 के समय पर कैसे एक रुपए एक डॉलर के बराबर था और कैसे आज एक रुपए एक डॉलर 72 रुपए के बराबर हो गया, इसके बारे में भी हल्की सी चर्चा हमें करनी पड़ेगी। फिर हम चर्चा करेंगे हमारी जो योजनाएं बनी है, नियोजन संबंधी जो हमारी टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपकी पंचवर्षीय योजनाओं का रोल रहा, उन पंचवर्षीय योजनाओं का आधार क्या रहा, उन पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित जो आपके अलग अलग नियम कानून बने वो कैसे रहे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बैंकिंग प्रणाली क्या है, ठीक है, बैंक क्या होता है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबकी चर्चा करने के पहले ये समझ लेते हैं कि अर्थशास्त्र आखिर है क्या। अक्सर जब मैं ऑनलाइन होता हूं, मुझसे सबसे ज्यादा किसी सब्जेक्ट की अगर डिमांड की जाती है तो वो होती है इकोनॉमी। सर इकोनॉमी करवा दो बस, बाकी सब तो हम झेल ले जाएंगे। तो आज से आपकी इकोनॉमी स्टार्ट है, रेगुलर रहेगी आपकी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो नोट्स मैंने आपको शेयर किए हैं उस नोट्स को आप खोलिए, और मैंने आपको अर्थशास्त्र के बारे में आपको परिभाषा दी है। ठीक है, मैं पढ़ूंगा भी ऑनलाइन वालों के लिए, और बाकी लोग जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देखें उन्हें कोई भी नोट्स अगर चाहिए हैं तो वो टेलीग्राम पर @RakshaAcademy सर्च करें और वहां से नोट्स अपने डाउनलोड करें, या अगले हफ्ते से हमारी वेबसाइट पर डाउनलोड का जो ऑप्शन होगा, जिसमें मैंने कल प्रैक्टिकल कर लिया है, कल मैंने आपका पेपर एक डाला है, आप डाउनलोड करने में कैपेबल हो रहे हैं, तो वो लिंक हमारी ओपन होने लग गई है अब, तो सिर्फ मुझे अपलोड करना है। अभी तक कैसे डाउनलोड को ऑप्शन में लाना था वो नहीं था, इसलिए लोड नहीं हुआ था आपका। वेबसाइट में जो लगातार चेंजेस चल रहे थे वो अपडेट हो चुके हैं, अब सिर्फ अपडेटेशन आपका बाकी है, वो मैं कर दूंगा आपका। ठीक है, तो वहां से भी आप वेबसाइट से भी जा सकते हैं www.रक्षा एकेडमी से, या यहां से। ठीक है, कोई भी क्रियाकलाप जिसका संबंध धन से है उसका अध्ययन अर्थशास्त्र है। कोई भी एक्शन जिसका संबंध आपका धन से है उसका अध्ययन क्या है, आपका अर्थशास्त्र है। और दुनिया में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं बना है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली धन से संबंधित ना हो। कोई भी एक्शन ऐसा नहीं बना है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली धन से संबंधित ना हो। होगा कहीं ना कहीं, आपके दिमाग में कोई भी चीज आए, अच्छी बुरी गंदी भिड़ी जो भी चीज आए, आप अगर उसमें एक बार सोचने की कोशिश करोगे तो उसमें धन जरूर होगा। अगर आपको अटल बिहारी पार्क जाना है तो वहां तक जाने के लिए भी धन लगेगा। अगर आपको अपने कमरे से बाहर निकलना है तो जो वस्त्र आप पहने हुए हो, इन वस्त्रों को पहनने के लिए आपको धन लगेगा। आपको यदि भोजन करना है तो उसमें धन लगेगा। इवन अगर आपको शुद्ध सांस प्राप्त करनी है तो उसमें भी आपको धन लग सकता है भविष्य में आने वाले।
ठीक है। पानी के लिए भी आप अगर ये सोचते हैं कि पानी तो फ्री का है, तो ऐसा नहीं है। उस पानी को जमीन से निकालने के लिए संयंत्र लगाया गया था, उसमें भी धन लगा था। यानी जीवन के समस्त क्रियाकलाप जो धन संबंधी है उनका अध्ययन हम कहां करते हैं? अर्थशास्त्र में करते हैं। ठीक है, 7.1 है आपका भारत में विकास का अनुभव। लेकिन उसके पहले मैं आपको अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करना चाहूंगा यहां पर, तो आप एक एक पॉइंट को पढ़ते चले। इसमें मानवीय आर्थिक गतिविधियों यथा, यहां पर क्या बात कही गई है? मानवीय आर्थिक गतिविधियां, ठीक है, यथा। आगे क्या लिखा है इसमें? यथा में क्या है पहला? यथा में पहला लिखा है आपका उत्पादन, ठीक है। उत्पादन के बाद में क्या लिखा है आपका? उपयोग, उपभोग लिखा है। एक्चुअली वो उपभोग है, उपयोग नहीं, उपभोग है, उपभोग। फिर आपका आता है उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, ठीक है, उपभोग मतलब कंजप्शन, ठीक है। इंग्लिश वाली देखते चले आपका विनिमय यानी एक्सचेंज, विनिमय आपका एक्सचेंज ही होता है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है, विनिमय एक्सचेंज होता है, इन्वेस्टमेंट निवेश होता है, ठीक है, विनिमय। इसके बाद में वितरण, वितरण क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वितरण, ठीक है, का अध्ययन तथा मानव द्वारा संपन्न ऐसी गतिविधियों का अध्ययन जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, ठीक है। यहां पर आप ETC कर दो इसको, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। एक तरफ किसका? मानवीय आर्थिक गतिविधियां, उन गतिविधियों में यथा जैसे आपका क्या का? उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण, इनका अध्ययन तथा मानव द्वारा की गई ऐसी सारी गतिविधियां जिसमें क्या हो, या तो लाभ हो या तो हानि हो, यानी लाभ और हानि का क्या हो आपका तत्व विद्यमान हो, को अर्थशास्त्र कहा जाएगा। सो अगर इंटरव्यू में आपसे कभी अर्थशास्त्र की परिभाषा कोई पूछ ले कि भाई ठीक है आप BCOM करके आए हो, तो इकोनॉमिक्स की परिभाषा आपसे अगर पूछ लेगा अर्थशास्त्र है क्या, तो अगर आप इतना बता देंगे तो वो आपसे प्रसन्न जरूर हो जाएगा। ये संभावना है अगर कोई पैनल में ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ जो इकोनॉमी से संबंधित होगा, और अगर आपने BCOM किया हुआ है तो बिल्कुल आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न आपके ग्रेजुएशन लेवल से उठाए जाते हैं इंटरव्यू में। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, बताने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए। सो आप दोनों साइंस सेक्टर से हो, कैसे हो? साइंस से हो तो समझ गए अर्थशास्त्र क्या होगी आपकी, इकोनॉमिक्स क्या होगी, जहां पर किन किन चीजों की बात करें हम, या तो वो मानवीय आर्थिक गतिविधियां हैं जिनमें उत्पादन, उत्पादन क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब, प्रोडक्शन में देखो आपका फोन कहीं ना कहीं बनता है, ठीक है, खाना कहीं ना कहीं बनता है, अंकल चिप्स कहीं ना कहीं बनती है, घूमर कहीं ना कहीं बनता है, ये सब क्या है आपका? प्रोडक्शन है। उपभोग यानी कंजप्शन, कंजप्शन यानी आप खा रहे हो उसको, पहन रहे हो, रह रहे हो, जो भी चीजें हैं वो सब चीजें। फिर आपका क्या है? विनिमय एक्सचेंज, एक्सचेंज में क्या होता है? पैसों के बदले चीजें हम लेते हैं, या पैसों के बदले हम बॉन्ड लेते हैं, या पैसों के बदले हम कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है। फिर आपका जो है वितरण, वितरण का मतलब कि जब ये गतिविधियां हो रही हैं तो किसके पास, किस आधार पर कौन सी चीज पहुंचेगी। आप यदि इसी टॉपिक में आपका देखोगे तो आपका आएगा PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं? सामाजिक खाद्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS जो होता है। तो वितरण भी आते यहां पे आ गए, ये भी आपका किसका पार्ट है? इकोनॉमी का। इन सब का अध्ययन साथ में, जहां पर लाभ और हानि का तत्व हो, आप चाहे आप कोई भी टॉपिक उठा लो, जैसे हम लोग अनिल PDS पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या है? रिसाव है बीच में, ठीक है, उत्पाद रिसाव है। तो उत्पाद रिसाव का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमें हानि का आभास हो रहा है, यानी जहां हानि और लाभ का तत्व समाहित हो वो चीज क्या है आपकी? अर्थशास्त्र है। तो आपको अर्थशास्त्र के बारे में समझ में आया कि अर्थशास्त्र क्या है, हमें इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करनी है। और ये चीजें हमारी डेली की चीजें हैं, तो आप ही मान के चले कि कठिन सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा है, और महिलाओं को तो ये और ज्यादा समझ में आना चाहिए अर्थशास्त्र, राइट? क्यों? क्योंकि आप लोगों को हर चीज का हिसाब किताब रखना पड़ता है, आपकी जिम्मेवारियां हैं, आपके कर्तव्य भी है कि भाई घर में कितना खर्चा जा रहा है, कितना नहीं आ रहा है, इस महीने में हमने क्या प्लानिंग कही है। फिर बचत की बात भी यहां पर आती है, तो हम बैंकिंग में पढ़ेंगे आप बचत क्यों करते हैं, कि अगर दीपावली का दिन आया तो वहां सोने का सिक्का लेना है या आभूषण लेना है, नाक की कील लेना है या पूरा हार लेना है, किस बात पर डिपेंड करता है? आपकी बचत के ऊपर। तो आपको तो ये और अच्छे समझ में आना चाहिए, है? यही चीजें हमें पढ़नी, इससे ऊपर हमें कुछ नहीं पढ़ना है। सरल होगा ना, कर लेंगे हम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो आज से इकोनॉमी हो गई सरल, अब तक क्या थी? कठिन।
ठीक है, आप सरल कर लेते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला इसमें क्या पॉइंट लिखा है और मैंने डिटेल में इसको समझाया है, अर्थशास्त्र में मनुष्य अपने सीमित स्रोतों से, क्या है बात यहां पर, एक पॉइंट बढ़ रहा है आपका, सीमित स्रोत, ठीक है, सीमित स्रोतों से चुनाव द्वारा धन का विभाजन करके अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति से संतुष्ट होने के विषय संबंधी अध्ययन करते हैं। यह थोड़ी सी उच्च स्तर की परिभाषा हो गई आपकी। मनुष्य के पास स्रोत क्या है, सीमित है, इच्छाएं कैसी हैं आपकी, असीमित हैं, और इन सीमित स्रोतों से असीमित इच्छाओं की यदि पूर्ति करना है तो उसे क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है कि पहले कौन सी इच्छा की पूर्ति करें। अगर आपके पास 1000 रुपए है, स्रोत क्या है, सीमित, ऑप्शन आपके पास में क्या है, उसी में आप एक शर्ट ले सकती हो, ठीक है, अच्छी तरीके ही आएगी, या जींस ले सकते हो, या जूती ले सकते हो, या फिर घड़ी ले सकती हो, हालांकि इतने में घड़ी अच्छी नहीं आएगी, ठीक है, या रोल्ड गोल्ड जो बोलते हैं उसकी कुछ कान वान की जो भी चीजें आप ले सकते हो। आप लोग 1000 रुपए है, दोस्तों को पार्टी देनी है, इसी में आप मूवी जा सकते हो या घर में बैठ के मूवी का माहौल बना सकते हो, जो भी चीजें हैं। लेकिन आपकी इच्छाएं क्या है कि मूवी भी देखें, राइट, समझने की कोशिश को, आपकी इच्छाएं क्या है कि हम मूवी भी देख लें और हम क्या करें, साथ में घर पे माहौल भी बना लें मूवी देखने वाला, राइट, और कोई नहीं है ना। तो उसके लिए क्या है, आपको अब इसमें चुनाव करना पड़ेगा कि भाई आपको मूवी देखना है या आपको ये चीज खरीदनी है, कौन सी खरीदनी है। तो क्या हुआ, सीमित स्रोत से असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप क्या करते हो, चुनाव, और इस चुनाव से क्या करते हो, आप अपने आप को संतुष्ट करते हो। और ये जो विषय है, यही विषय क्या है, अर्थशास्त्र, यही तो इकोनॉमिक्स है। जब कोई बंदा ज्यादा हिसाब किताब लगा के चीजें करता है, उसका बोलते यार इसकी इकोनॉमिक्स बड़ी सही होगी यार, इसको समझ में आता है कहां पैसा डालना है कहां पैसा नहीं डालना है, राइट, ये चर्चा नॉर्मल होती है मोनिका। यही लोक में रहना है, परलोक में नहीं जाना है, यही लोक, यही, ठीक है। अगला, अब मनुष्य अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए दो प्रकार की क्रियाएं करता है, पूरे जीवन में दो प्रकार की क्रियाएं आपकी होंगी, आप जो भी करते हो वो दो ही क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया आपकी कौन सी होती है, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, और दूसरी क्रियाएं आपकी कौन सी होती हैं, आपकी अनार्थिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। आगे इसमें क्या दिया गया है, आर्थिक क्रियाओं में वह समस्त क्रियाएं जो धनार्जन, वह समस्त क्रियाएं नहीं, इसके अंतर्गत व्यक्ति का उद्देश्य धन प्राप्ति करना होता है, यानी व्यापार, कृषि, नौकरी, सेवा, जितनी भी चीजें हैं, यही सेक्टर है अपने, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, ठीक है, और उसके बाद में क्या है अपना, सर्विस है। सर्विस सेक्टर आज हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बन के आ गया है, आज की डेट में सर्विस सेक्टर का अगर पार्ट देखोगे अपनी इकोनॉमी में तो चीजें, और यहीं पर, यहीं से आप यहां से समझ के चलना। मैं क्यों आपको ये बातें बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप प्रगति विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था के बीच अंतर देखोगे तो वहां पर सर्विस सेक्टर और जो आपके रेगुलर सेक्टर्स हैं उनमें जो रेशो होगा उस आधार पर कोई इकोनॉमी विकसित, अल्प विकसित या विकासशील कहलाएगी। तो ये वर्ड आपको अभी से अपने दिमाग में रखना है, वरना वहां पूछोगे सर ये क्या होता है। सर्विस सेक्टर का मतलब होता है जैसे मैं आपको सेवा दे रहा हूं, ये सर्विस सेक्टर है। एजुकेशन क्या है, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है आपका, राइट, आता है ना, ठीक है। कस्टमर क्या है, आप कस्टमर केयर क्या है आपका, सर्विस सेक्टर। तो मैक्सिमम चीजें आज आपकी कहां पर, सर्विस सेक्टर का रोल सबसे ज्यादा है। रेगुलर में क्या है आपकी, पारंपरिक क्या है, कृषि, ठीक है। कृषि के बाद में क्या है आपका, उत्पादन, हाँ, प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है। तो ये सब अपन को पूरा पढ़ना है, तो यहीं से समझ लो कि आपकी जो क्रियाएं हैं कैसी हैं, आर्थिक और अनार्थिक हैं, यहीं से पकड़ के चलना है। भाभी जी घर पे हैं, बोल देना सही पकड़े हैं वो वाला, तो हमको चलना है कि यहीं से शुरुआत हो जाती है कि जो भी चीजें अपनी चल रही हैं कैसे इकोनॉमी पे इंपैक्ट डालेंगे, ठीक है। अनार्थिक क्रियाओं में वह समस्त क्रियाएं जो धनार्जन से परे हैं, जैसे धार्मिक क्रियाएं, हालांकि ये गलत बात है, ये तो आर्थिक क्रिया से पूरी पूरी संबंधित है, ठीक है। धार्मिक क्रियाएं जितनी है उसमें अगर पंडित जी की पॉकेट में कुछ ना गया तो मजाल एक मंत्र निकल जाए, नहीं हो सकता है। कभी आप लोगों को कुछ पुण्य पाठ कराना हो तो मैं आ सकता हूं, ब्राह्मण आदमी हूं, 4-5 मंत्र मुझे पक्के से आते हैं, और एक आध मंत्र में आपको गुरुदक्षिणा भी दे सकता हूं, गुरुदक्षिणा नहीं, गुरु मंत्र दे सकता हूं, दक्षिणा आप लोग मुझे दे सकते हैं। तो हालांकि झूठा लिखा है फिर भी इसको मान लो कि आर्थिक धार्मिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, कोई भी सामाजिक क्रिया ऐसी नहीं जो धन से हटके हो। लेकिन इसलिए मैंने स्पष्ट कर दिया है कि आर्थिक क्रियाएं वे सब क्रियाएं हैं
जिनका संबंध धनार्जन से है। इन जो अनार्थिक क्रियाएं हो उनको करने के लिए आपको धन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, लेकिन उसमें धनार्जन की बात नहीं होगी। यह अंतर है दोनों में, ठीक है। राष्ट्रीय उत्तरदायित्व, राष्ट्र के लिए जो आप काम करते हैं, ये सब आपकी क्या है, अनार्थक क्रिया है, ठीक है। अब अगेन प्रोफेसर सैमुअल के अनुसार अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम, वस्तुतः समस्त सामाजिक विज्ञानों की रानी है। क्या कहा इन्होंने कि अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम और विज्ञान समूहों में नवीनतम। यदि आप देखोगे तो संकाय जब इकोनॉमी का जाता है तो बीच का कॉमर्स में आप आ जाते हो, अलग सेक्टर में आपकी इकोनॉमी आ जाती है, लेकिन आपके संकाय क्या है, कला संकाय है और विज्ञान संकाय है, ठीक है। तो इसको लेकिन किस विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है इकोनॉमी को, ये सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है, जो आपकी सोशल साइंस है उसका एक पार्ट है इकोनॉमी, क्योंकि दसवीं तक आपने जब पढ़ी होगी आपकी तो इकोनॉमी कहां पढ़ते थे आप, सोशल साइंस में पढ़ते थे इकोनॉमी। मेरे टाइम पे तो ऐसे ही होता था, आप आज के बच्चों के टाइम पे नहीं पता मुझे, शायद अलग अलग सेक्टर आ गए हों उसके। तो ये किसका, सामाजिक विज्ञान हिस्सा है। तो ये क्या कहते हैं कि ये कलाएं, कलाएं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस सबको मैनेज करना भी एक कला है, एक आर्ट है। व्हाट टू चूज, व्हाट टू चूज, हाउ टू चूज, हाउ मच टू चूज, क्या आपको सेलेक्ट करना है, कितना सेलेक्ट करना है और किसना कैसे सेलेक्ट करना है, ये सब क्या है, इकोनॉमी के अंतर्गत आपका आता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पुरानी कला है, और विज्ञान के संकाय में यदि आप बात करें सबसे नवीनतम है, और उन सब में क्या है, रानी है। तो ऑब्वियसली मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि इकोनॉमी जो चीज है, यदि आपकी घर की इकोनॉमी अच्छी है तो आप राजा और रानी है, और इकोनॉमी अगर डाउन है तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं भिखारी नहीं है, लेकिन हाँ रंक की स्थिति में आप आ जाते हैं। तो इनके अनुसार यदि आपसे प्रोफेसर सैमुअल की बात की जाए, और मे बी कभी अगर आप उच्च स्तरीय परीक्षाओं को देने जाए तो प्रोफेसर सैमुअल का स्टेटमेंट आपका ये आ सकता है, और इस स्टेटमेंट को आपको डिफाइन करना पड़ सकता है। तो ये चीजें आपकी क्लियर होगी। अगला, मैंने अलग अलग वैज्ञानिकों की आपकी बात की है, अगेन इसी बात को समझाने के लिए अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं, अल्फ्रेड मार्शल का स्टेटमेंट क्या है, आप जरा उसको पढ़ो नोट्स में, हम आपको पढ़ के सुनाए दे रहे हैं, बाकी चीजें नोट्स में लिखी है, अगेन रिपीट करूंगा, टेलीग्राम से आकर नोट्स आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं, मनुष्य जाति के रोजमर्रा के जीवन का अध्ययन अर्थशास्त्र। इन्होंने सीधा कह दिया कि मनुष्य जाति का जो रोजमर्रा जीवन है उसका अध्ययन क्या है, आपका अर्थशास्त्र है। ऑब्वियसली कोई डाउट है क्या इसमें, आप अगर यहां मेरी क्लास में बैठे हो या मुझे ऑनलाइन देख रहे हो तो मम्मी ने पैसा दिया होगा या पापा ने पैसा दिया होगा या किसी ने खुद कमा लिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो भी आप कर रहे हो उसका पूरा अध्ययन क्या है, आपका अर्थशास्त्र है। आगे इन्होंने क्या लिखा, मार्शल ने पाया कि समाज में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे आर्थिक शक्तियां कार्य करती हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है, अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया है तो उसके पीछे भी आर्थिक क्रियाएं कार्य कर रही हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर अब इंडस्ट्री लगेगी। तो मार्शल ने बिल्कुल सही कहा कि समाज में जो कुछ भी घट रहा है उस सब के पीछे क्या है, आपकी आर्थिक क्रियाएं कार्य कर रही हैं। इसलिए समाज को समझने और इसे बेहतर बनाने के लिए हमें इसके आर्थिक आधार को समझने की जरूरत है। यदि आपको समाज को समझना है और इसे बेहतर बनाना है तो अभी आपको इसके आर्थिक आधार को समझना पड़ेगा। जैसे मैं भारत के बारे में एक परिचर्चा करूं, जब क्या हो गया भाई, जब 2008 में, कब 2008 में क्या आया था, रिसेशन आया था, या जिसको हम मंदी बोलते हैं, मंदी आई थी। क्या हुआ था, विश्व के अच्छे खासे देशों की हालत खराब हो गई थी, बैंड बज गई थी, और केवल एक जगह पर नहीं, उनके यहां क्या हुआ था अमेरिका में, कि बड़े शहर से लेके छोटा उनका जो कस्बा था हर जगह पे उनकी परिस्थिति हिल गई थी। लाइन को फिर समझना, फिर बता रहा हूं कहां मैं जा रहा हूं, उसको पकड़ने की कोशिश करना कि इसलिए समाज को समझने और इसे बेहतर बनाने के लिए हमें आर्थिक आधार को समझने की आवश्यकता होती है। समाज को समझो, कैसे इंडियन समाज अलग है और बाहर का समाज अलग है, ठीक है। वहां पर सब चीज हुई थी, हमें क्या फर्क पड़ा था, सिर्फ बेंगलोर दिल्ली को छोड़ दो, इसके अलावा किसको क्या फर्क पड़ा था, कोई फर्क पड़ा था, क्यों नहीं पड़ा था, राइट, ये पॉइंट है। क्योंकि भारतीय समाज की सबसे बड़ी खासियत क्या है, बचत, बचत करना।
एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोग 60% बचत करने की कोशिश करते हैं और 40% अपना खर्चा करते हैं। और यदि आप इसको कैलकुलेट भी करोगे कि यदि आपकी 100 रुपए की कमाई है और इस 100 रुपए की कमाई में यदि मैं ज्यादा नहीं आपका 10 रुपए टैक्स बाहर निकाल दूं, तो 10 रुपए टैक्स निकालने के बाद में आपके पास 90 रुपए अगर बचता है, तो उसमें से जो आप अपने ऊपर खर्चा करोगे वो खर्चा आपका केवल और केवल 40% होगा, बाकी 60% आप बचत के रूप में रखोगे। वो बचत जमीन खरीदने में हो सकती है, वो बचत गहना खरीदने में हो सकती है, चीजों में हो सकती है। तो चूंकि हमारे समाज की प्रवृत्ति कैसी थी, बचत करने की थी। अब यहीं से मैं आपको कहां ले जाना चाहता हूं, जब भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में, खूबियों के बारे में बात होगी, तो यहां पे ये पॉइंट की हम चर्चा करेंगे। तो हमारे एक है बचत को लेकर चलते हैं, व्यक्तिगत खर्चे कम होते हैं। आप अपने माँ बाप को यदि देखोगे तो वो वही पुराने कपड़ों में काम चलाते हैं, कभी उनसे बोलो कपड़ा लेना है नहीं, कभी उनसे तबीयत खराब है हॉस्पिटल जाना है नहीं, दो गोली खा लेंगे सही हो जाएंगे, राइट। क्या है ये, हमारे समाज की व्यवस्था है। तो मार्शल ने बिल्कुल सही कहा है कि यदि हमें समाज को समझना है तो वहां के हमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना पड़ेगा और इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी का अध्ययन भी करना पड़ेगा, उसके बाद हम समझ पाएंगे वो देश कैसा होगा। और जब हम ये समझ जाएंगे तो फिर उस आधार पर जब हम नियम कानून बनाएंगे, जैसा हमारा समाज है, यदि वैसे नियम कानून और आर्थिक योजनाएं आपकी बनाई जाएंगी तो विकास क्या होगा आपका संभव होगा। तो ये सभी परिचर्चाएं हमें आगे जाके करनी है। लियोनेल रॉबिन्सन क्या कहते हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। लियोनेल रॉबिन्सन ने क्या कहा है, अब आप कहोगे मैंने इतने सारे नाम आपको क्यों दिए हैं, क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स में अवधारणा आ जाती है आपसे किसी एक पर्टिकुलर चीज के, इस व्यक्ति का संबंध किस विषय से है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। लियोनेल रॉबिन्सन कहते हैं यह है वह विज्ञान जो मानव स्वभाव का वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों और उनके प्रयोग के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। मानव स्वभाव क्या है, वैकल्पिक उपयोग का मतलब क्या है, आप जैसे मैंने कहा था चूज करना पड़ता है, विकल्प होते हैं, उसमें से क्या आपको चूज करना है क्या चूज नहीं करना है, उसके उपयोग की जो सीमित आपके साधन है और उन साधनों का आपको कैसे प्रयोग करना है। साधन क्या है, यहां पर मनी है, पैसा है, उस साधन का कैसे आपको प्रयोग करना है, इनके बीच में जो अंतर संबंध इंटर रिलेशन है वो क्या है, आपकी इकोनॉमिक्स है। क्लियर हो रही है डेफिनेशन, कहीं कोई डाउट तो नहीं आ रहा है इसमें। अगला, अब मैंने जो आपको चीजें बताई हैं, क्योंकि आज स्टार्टिंग का लेक्चर है, आप लोग भूख के मारे तड़प रहे हो, मम्मी भूख लगी मुझे खाना दो वाली कहानी है, तो मैं इसको बिल्कुल डिफाइन ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये बता देता हूं कि प्री में यदि आपसे कभी प्रश्न बन जाए तो इसमें तो कोई बुक आपसे पूछी जा सकती है और उन्होंने उस बुक में क्या बोला है वह भी आपसे पूछा सकता है। और अर्थशास्त्र के प्रति यदि कोई अर्थशास्त्र पर आधारित कोई आपका निबंध आता है तो वहां पर आप इनके कोटेशन को डाल के अपने निबंध को और अधिक सुंदर बना सकते हैं, ठीक है। अगर काजल लगा है और उसमें बिंदी और लग जाए तो सुंदरता और बढ़ जाती है, ये आपके लिए बिंदी का काम ही करेगी। तुम लोगों को सुंदर नहीं बनते हो, अपने बारे में मत सोचना, ये हम लोग हमेशा बदसूरत बनने की कोशिश ही करते हैं। कैसे करते हैं बताता हूं मैं आपको, पहले हम चिकने हुआ करते थे, आज हम डांडी रख रहे हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि समाज में बदसूरती को ही पसंद किया जा रहा है, सीधा सीधा गोरा गोरा लड़का किसी को पसंद नहीं आता था, तो सब महिलाओं के लिए। तो यह कहने का मतलब क्या है मेरा कि जब जो चीजें मैं आपको अलग से पढ़ाता हूं, जो भी चीजें देता हूं, इनका बस ये सोच लेना कहां पटक दोगे इनको, और अगर आपने ये चीज पटक दी तो यही चीज है जो आपको दूसरों से अलग कर ले जाएगी। बाकी सब पढ़ रहे हैं ए नाम की कोचिंग के नोट्स या डी नाम की कोचिंग के नोट्स या एन नाम की कोचिंग के नोट्स, राइट। मैं पूरे नाम नहीं ले सकता हूं, मेरी सीमाएं हैं यहां पे बोलने की, सब वही पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये पॉइंट जो है और ये जो नोट्स हैं ये ना मिलेंगे आपको कभी दोबारा, तो मैं सोच रहा हूं ये नोट्स में आपका शेयर करना बंद कर दूं। चलो आगे, एडम स्मिथ जिनको हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, अर्थशास्त्र का जनक। तो प्रश्न आपका बनता है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, ठीक है जनक, तो इनकी बुक कौन है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब इस बुक का पहला पूरा नाम तो पढ़ लो एक बार, पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक आपकी 1776 में लिखी गई है और ये प्रश्न प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो अगर वेल्थ ऑफ नेशंस ना पूछे वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि अर्थशास्त्र का जन्मदाता कौन है, एडम स्मिथ जी हैं। इन्होंने क्या कहा है अर्थशास्त्र को, अर्थशास्त्र के बारे में इनका विचार क्या था, इन्होंने धन का विज्ञान कहा है। यहां पर प्रश्न पूछा सकता है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, एडम स्मिथ ने कहा है, क्लियर है। अगला, डॉक्टर मार्शल जिनके बारे में ऊपर भी हम पढ़ रहे थे, इन्होंने क्या दिया है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन्होंने अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के आधार को, अर्थशास्त्र की जो कल्याण संबंधी की परिभाषा है
इन्होंने इसको लोकप्रिय बना दिया। कल्याण संबंधी कैसी कि इन्होंने साफ कहा है कि समाज को समझने और इसे बेहतर बनाने के लिए हमें आर्थिक आधार को समझने की आवश्यकता है। तो समाज का यदि हमें कल्याण करना है तो हमें उसके आर्थिक आधार को समझने की आवश्यकता है। ये इनकी अवधारणा थी डॉक्टर मार्शल की जो ऊपर लिखी है। लॉर्ड रॉबिन्सन ने 1932 में अपनी एक किताब लिखी है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसमें इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने दुर्लभता का सिद्धांत दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी गलती से अगर थोड़ा सा स्तर बढ़ाया तो आपसे पूछा जा सकता है। दुर्लभता का सिद्धांत, ये दुर्लभता का सिद्धांत किसने दिया है यह भी आपको याद रखना है। किसने दिया है? लॉर्ड रॉबिन्सन ने दिया है। ठीक है, रॉबिन्सन ने दिया है। अभी क्या है, उपलब्ध संसाधन सभी मांगों और जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं, यानी कि द डिमांड जो है, वो डिमांड जो हमारे पास में है वो डिमांड इतनी ज्यादा है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं वो कम है। तो उन्होंने क्या बताया, दुर्लभता का सिद्धांत उन्होंने दिया है कि कितना भी हम कोशिश कर ले हमारे पास में जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं वो कभी भी हमारी डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम अपने संसाधनों को बढ़ाने की बात करते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाऊं कि सपोज आपकी जो मांग है, आपकी मांग क्या है कि मम्मी हमको अमेरिका पढ़ाने भेज दें, राइट, ये भी हो सकती है मांग आपकी, या पापा हमको हायाबूसा दिलवा दें। मांग क्या है आपकी ज्यादा, नहीं संसाधन क्या है आपके पास में पूरे नहीं है, बिल्कुल सीमित है। तो यहां पर क्या है, ये कहने जा रहे कितने भी आप कोशिश कर लो हमेशा मांग संसाधनों की उपलब्धता से ज्यादा रहेगी, और यदि उस मांग की पूर्ति करना है तो हमें संसाधनों को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आपको हायाबूसा लेना है तो आप बोले बेटा खुद कमा लो उसके बाद में ले लियो, राइट, क्लियर हो गया। यानी हमें धनार्जन करना पड़ेगा अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए, लेकिन उसके बाद भी ये दुर्लभता का सिद्धांत खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने हायाबूसा ले ली तो फिर आप किसकी बात करोगे, आप फिर बात करोगे ऑडी की बात करोगे, ऑडी आपने ले ली तो फिर हो सकता है जो बड़ी बड़ी फैंटम फैंटम जो 3-3 करोड़ आती है उसकी बात करो। तो हमेशा ये कह रहे हैं कि जो इंसान की मांग है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती है, संसाधन सीमित है, इसे सीमित संसाधनों में खुश रहने की कोशिश करो। ये तो लगता है सिद्धांत, क्लियर है। किसने दिया है, लॉर्ड रॉबिन्सन ने। सैमुअलसन ने क्या कहा है, इनका देख लीजिए, इनका क्या है, इन्होंने विकास का शास्त्र कहा है। सैमुअलसन ने इसको विकास का शास्त्र कहा है, किस बुक में कहा है हमें मिली नहीं है इनकी, ठीक है। और कपिल आर्या जो इंडियन है, इनकी बुक है अर्थ मेधा। तो अर्थ मेधा बुक के राइटर कौन है, कपिल आर्या। आपको याद रखना है, आपसे बिल्कुल इस बुक के बारे में पूछा जा सकता है। और इन्होंने क्या कहा है, सुख के साधनों का विज्ञान। इंडियन आदमी, हालांकि दिखा दी उसने अपनी, बाकी सब लोग देर दिए पड़ रहे हैं, ऐसा वैसा ये सिद्धांत वो सिद्धांत, ना बाबा, सुख के साधनों का सिद्धांत ही अर्थशास्त्र, एकदम सीधी बात, घुमा फिरा के बात नहीं करते हम इंडियन लोग, है ना। सुख के साधनों का सिद्धांत क्या है आपका, कपिल आर्या। तो कभी आपसे पूछा जाए कि सुख के साधन के सिद्धांत के रूप में अर्थशास्त्र को किसने परिभाषित किया है, कपिल आर्या ने किया है, और उनकी बुक का नाम क्या है, अर्थ मेधा है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान परिस्थितियों में जो अर्थशास्त्र की एक परिभाषा होनी चाहिए वो भी मैंने 2 लाइनों में दी है, और इसके बाद अकॉर्डिंग टू सिलेबस इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हुए हम आगे पढ़ेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में अर्थशास्त्र की वास्तविक परिभाषा होनी चाहिए कि मनुष्य के अर्थ संबंधी सभी कार्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करना, जितने भी मनुष्य के अर्थ संबंधी कार्य हैं उनका हम कैसे करें, क्रमबद्ध अध्ययन करें, जिसका ध्याय, जिसका ध्येय विश्व कल्याण और दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय हो। इकोनॉमिक गतिविधियां कैसी होना चाहिए जिनका ध्येय विश्व कल्याण हो। आप ये देख रहे हो, आपको कभी कभी आप डिटेल में जाते हो, आपको क्या लगता है अलकायदा जिंदा क्यों है, या फिर तालिबान जिंदा क्यों है, तालिबान को हथियार कौन देता है, कौन देता है, जो तालिबान को मारने गया है उसी के हथियार तो यूज हो रहे हैं, अब ये चीजें क्यों की जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि कश्मीर मुद्दा क्यों नहीं सुलझाया जा सका इतने सालों में, कि कश्मीर मुद्दा अगर सुलझ जाएगा तो हमारी 10-12 लाख की जो सेना है वो क्या करेगी बेचारी। ये जो हथियारों के इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हमारे डील होते हैं, वो फोर्स हो गया, ठीक है, उसके बाद में अलग अलग राफेल है, हर चीज है, इतने बड़े बड़े कांड कैसे हो पाएंगे। तो ये कहना क्या जा रहा है कि अर्थशास्त्र की वास्तविक जो एक परिभाषा होनी चाहिए वो जन कल्याणकारी और दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए। तो ये सब आपकी जितनी भी घटनाएं, जो स्टार्टिंग में भी कहा है मैंने कि आपके आसपास जो भी घट रहा है वो सब अर्थशास्त्र के पीछे है, आतंकवाद के पीछे भी अर्थशास्त्र है।
अगर आप देखोगे एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट देखना, जो लोग पकड़े गए हैं कश्मीर में, अगर उनके बंगलों की बात करोगे तो एकड़ों में बंगले बने और बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें क्यों हो रही थी? कहीं ना कहीं इसके पीछे पैसा था। पत्थर कोई आदमी फ्री में नहीं फेंक रहा था। चीजें हैं। तो अब जो अर्थशास्त्र की परिभाषा होनी चाहिए वो विश्व कल्याण की होनी चाहिए, लेकिन अब जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है क्या? अब अर्थशास्त्र की परिभाषा है विश्व को कैप्चर करने वाली। आपको क्या लगता है, फेसबुक जो है, फेसबुक ने क्या कर दिया है? आज आप एक बार यूट्यूब पे जाके कोई चीज सर्च करना, आपका फोन, आपको पता है आपके बारे में अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति सबको जानता है, कह जानता है, बता रहा हूं। आप एक बार फेसबुक पे कोई चीज करना या यूट्यूब पे सर्च करना किसी प्रोडक्ट के बारे में, फेसबुक पे उससे रिलेटेड बिकने वाली चीजें आपके सामने अपने आप हो जाएंगी। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जो आपके फोन से आपके सब पता है। आप जो कुछ भी सर्च करते हैं ना, वो सब पता है उन लोगों को। तो आज इकोनॉमी ये क्या कर रहे हैं, पूरा अंबानी का एक स्टेटमेंट आया है कि आज की दुनिया में यदि कोई धन है तो वो है डेटा है। जिसके पास डेटा है उसके पास में सब कुछ है। तो बहुत जल्दी अंबानी को सही चीज लेके आने वाला कि अपना खुद का डेटा इंडिया में रहेगा और उसी डेटा के ट्रांसफर के आधार पर बिजनेस किया जाता है, उसी डेटा के ट्रांसफर के आधार पर राजनीति की जाती है, उसी डेटा के ट्रांसफर के आधार पर किसको बेवकूफ बनाना है और किसको नहीं बनाना है बनाया जाता है। तो ये सब चीजें हम अर्थशास्त्र में बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में पढ़ेंगे। आज से अर्थशास्त्र आपके लिए है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इकोनॉमी में कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रकार का प्रश्न आपका ना तो बाहर जाए और ना ही ऐसा हो कि आप उसका आंसर लिख पाए। ठीक है, इट वॉज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसके बाद कल से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।